चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी किसान एकता किसान मजदूर एकता। बीती साल अधिक बरसात होने की वजह से किसानों की बाजरे और कपास की फसल खराब हो गई थी। किसानों को फसल खराब होने से काफी नुकसान हो गया था, जिसको लेकर किसानों द्वारा मुआवजे की मांग की गई थी। लेकिन समय बीत जाने के बाद भी किसानों को अभी तक खराब हुई फसल का उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर आज किसान संगठनों ने कृषि निदेशालय कार्यालय परिसर में धरना देकर सरकार से मुआवजा देने की मांग की। यूनियन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार प्रशासन हमारी सुनाई नहीं करता है तो हम रोड जाम भी करेंगे और हम यहाँ ताला भी लगाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाया तो हम कहीं भी हद तक जा सकते हैं। अगर हमारी भावनाओं के प्रशासन और सरकार इज्जत देगी तो हम उनके साथ हैं, इज्जत से पेश आएंगे और हमारा जो है मुआवजा कपास का और बाजरे का खराब हुई फसल का मिलना चाहिए, जो कि 31 मार्च को ड्यू हो जाता है, उससे पहले पहले मिलना चाहिए था, जो कि आज तक नहीं दिया गया। इसलिए किसान यूनियन चढ़ूनी ये बोलती है कि या तो 31 मार्च तक हो जाना चाहिए था या 2 दिन के अंदर अंदर और डाल दें, नहीं डाला गया तो हम किसी भी हद तक का प्रदर्शन कर सकते हैं, जो कि सरकार उसका भरपाई खुद करेगी, कोई नुकसान हो गया तो हम उसके जिम्मेवार नहीं हों। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष समय सिंह ने बताया कि 2021 में अधिक बरसात होने की वजह से बाजरे में कपास की फसल बर्बाद हो चुकी थी। इसके लिए किसानों द्वारा ऑनलाइन महोदय की मांग की गई थी, लेकिन अभी चंद किसानों को ही सरकार मुआवजा दे पाई है। बाकी किसानों को समय अवधि समाप्त होने तक मुआवजा नहीं दिया गया, जिसको लेकर आज धरना दिया गया है। आज का जो धरना प्रदर्शन ये है कि पिछले साल जो इतनी भारी भयंकर बाढ़ आई और पानी से कपास की फसल और बाजरे की फसल बिल्कुल तबाह हो गई, जिससे किसानों को पैसे बीमा के रूप में काट लिए गए। इनकी डेडलाइन 31 मार्च तक की है, 31 मार्च तक इंतजार किया, हमें बार बार अफसरों से अवगत कराया, SDM साहब से हमने ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम मजबूर होकर भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के संगठन तथा आस पास से गांव के मौजूद आदमी यहां पर आए और या तो 2-3 दिन में पैसे डाल दो, वरना हम रोड भी जाम करेंगे और इस दफ्तर को ताला भी लगाएंगे। ये प्रशासन से हमारी यूनियन की आखिरी चेतावनी है, अगर इन्होंने 2 दिन के अंदर पैसे नहीं डाले बीमा के तो यहाँ ताला लग जाएगा और यहाँ कब्जा करके बैठ जाएंगे। आप पत्रकारों से हैं कि किसानों मजदूरों की आवाज आपने उठानी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। मुआवजा जी कपास का और बाजरे का जो पिछले साल बाढ़ से खत्म हो गया था, बीमा सबका बीमा काट लिया, लोगों का बीमा करवा रहे हैं, एक एक किल्ला का लगभग 15-15, 16-16 रुपया कपास का और 3 गुना सरकार से ले लिया कंपनी ने। कंपनी कोई सुनवाई नहीं कर रही, हमें हर बार बीमा के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज धरना रहेगा हमारे 1 बजे तक। आज ये सांकेतिक धरना है, चेतावनी धरना है, अगली बार धरना हम गेट के भीतर लगाएंगे। वहीं इसे लेकर कृषि विभाग के SDO दीपक कुमार ने बताया कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे का ठेका दिया गया है, लेकिन कागजात में कुछ कमियों के रहते कुछ किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। उनका अभी सर्वे कराया जा रहा है और उन्हें भी जल्द मुआवजा मिल जाएगा। किसान खरीफ 2021 कपास और बाजरे की फसल खराबे का मुआवजे के बारे में आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और उन्होंने बताया कि उनका काफ़ी किसानों का मुआवजा अभी तक नहीं आया है। तो कब से पेंडिंग है? ये खरीफ 2021 का मुआवजा बता रहे हैं और हमने कंपनी से सुबह ही आज बात की है, उन्होंने बताया कि जल्दी जल्दी हम इनके खातों में, काफ़ी किसानों के खाते में तो पैसे आ गए हैं, उन 2 लॉट तो डाल दिए हैं, बाकी जो बचे हुए किसान हैं उनके खाते में भी वो जल्दी पैसा डालेंगे। किसानों का कहना है कि ये धरना सरकार के लिए चेतावनी धरना है, अगर सरकार किसानों को समय रहते उचित मुआवजा नहीं देती है तो वो कृषि कार्यालय पर ताला लगाकर रोड जाम करने पर विवश होंगे, इसलिए सरकार को समय रहते किसानों को मुआवजा दिया जाए। बहरहाल किसानों ने अपनी मांगों को लेकर SDO को ज्ञापन सौंपा है, अब देखना होगा कि किसानों को मुआवजा कब तक मिलता है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।